रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। हम तो यूं कार्यक्रम में चार चांद लगाते जाएंगे अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। एक बार ताली जोर से हम वगाड़ो, खबर बड़क बता आवी गया है। हाँ, नाटक विषय कहूँ के न थके है पांव कभी, ना ही हिम्मत हारी है। मैंने देखे कई दौर और आज भी सफर जारी है। अपने एवं नाटक बताइए कि माँ जी ने बुद्धि नो उपयोग हुए। ये एवं नाटक हुए? हाँ हुए ये जने। बुद्धि नो उपयोग हुए तो ये इतिहास में अकबर नो नाम सांभरू जी। हाँ, अकबर ने बिरबल बनने मित्र आता। हाँ, मित्र पण हता अने बिरबल एना नवरत्नों माथी एक रत्न पण हतो। तो चालो आपणे ओ ड्रामा निहाळीए। अकबर अने बिरबल जे लईने आवे छे बॉय। दरबार में आपको बीरबल की तरफदारी करते देखा है। हम आपको कितनी बार समझा चुके हैं कि हमारे सभी वजीरों में बीरबल सबसे होशियार हैं। मानसिंह भी होशियार हैं, पर आप हमेशा उन्हें नजरअंदाज करते हैं, ये जानते हुए भी कि वो हमारे भाई हैं। एक बादशाह को अपने सबसे आक्रमण वजीर पर निर्भर रहना पड़ता है, और हमारे दरबार में ऐसे वजीर हैं बीरबल। मानसिंह बेशक आपके भाई हैं, पर ज्यादातर बीरबल की ही राय सही होती है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि मानसिंह बीरबल जितने होशियार नहीं हैं? हम जानते हैं कि एक मौका मिलने पर मानसिंह बीरबल से ज्यादा नहीं तो बीरबल की तरह अपनी होशियारी दिखा सकते हैं। उन्हें एक मौका तो दीजिए। ठीक है, हमारे पास एक तरकीब है। हम उन दोनों को एक दौरे पर भेजेंगे और हमें यकीन है कि बीरबल की वजह से ही दोनों कामयाब लौटेंगे। इससे आपको भी यकीन हो जाएगा कि बीरबल के बारे में हमारी राय सही है। हम बीरबल और मानसिंह को कल सुबह ही ईरान के लिए रवाना होने को कहेंगे। ईरान? पर क्यों? उनके वापस लौटने पर हम आपको बताएंगे। बीरबल, मानसिंह, हम चाहते हैं कि आप दोनों ईरान जाएं। शाह ईरान के लिए हमारा ये पैगाम लेकर हम उनके लिए कुछ तोहफे भी भेजना चाहते हैं, इसलिए हमने अपने सबसे भरोसेमंद वजीरों को भेजने का फैसला किया है। शुक्रिया चाहता हुजूर, इस सम्मान के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ हम आपका मान जरूर रखेंगे। हमें कब निकलना होगा हुजूर? हम चाहते हैं कि आप आज ही रवाना हो जाएं, शाह ईरान के साथ कुछ दिन बिताकर उनका जवाब लेकर लौटें। जैसी आपकी मर्जी चाहता हूँ। हुजूर, मैं हूं मानसिंह और ये है बीरबल। हम बादशाह अकबर के राजदूत हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे दरबार में हमारे अजीज दोस्त बादशाह सलामत अकबर के वजीर मौजूद हैं। हम जानते हैं मानसिंह जी कि आप बादशाह अकबर के रिश्तेदार हैं। राजा बीरबल के किस्से तो हमारे दरबार में भी मशहूर हैं। शुक्रिया जनाबना। हुजूर, हम शहंशाह अकबर की ओर से आपके लिए पैगाम लाए। हमें शहंशाह के पैगाम पर यकीन नहीं आ रहा। वो चाहते हैं कि हम इन दोनों को फांसी पर लटका दें। क्या किया जाए?
हुजूर, बादशाह सलामत ने खुद आपके लिए पैगाम भेजा है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें उनकी दरख्वास्त माननी चाहिए। पर हम इनका गुनाह भी तो नहीं जानते, और उन्हें सजा देने के लिए यहाँ पर क्यों भेजा गया? हुजूर, मुझे यकीन है कि कोई वजह जरूर होगी, इसलिए जहांपनाह ने उन्हें अपने देश में ही सजा नहीं दी। शायद उन्हें बगावत का डर होगा, क्योंकि ये दोनों ही अपने मुल्क में बहुत मशहूर हैं। हमारे ख्याल से आप सही फरमा रहे हैं, हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं, हमें शहंशाह की मर्जी पूरी करनी ही पड़ेगी। सिपाहियों, इन दोनों को बंदी बना लो, कल सुबह इन्हें फांसी पर लटकाया जाएगा। फांसी? हुजूर, हमें फांसी पर क्यों चढ़ाया जाएगा? हमारा गुनाह क्या है? हमें यकीन है कि आप अपने गुनाहों से वाकिफ हैं, और ये हमारी नहीं बल्कि आपके शहंशाह की मर्जी है। मुझे यकीन है आपको कोई गलतफहमी हुई है हुजूर, बादशाह ऐसा नहीं कर सकते। अफसोस, हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। आप शहंशाह का जो पैगाम हमारे पास लाए हैं, उसमें साफ साफ आप दोनों की सजा लिखी हुई है। सिपाहियों, ले जाओ इन्हें। हुजूर, हुजूर मेरी बात सुनिए, मुझे यकीन है कोई गलतफहमी हुई है, हमारी जान बख्श दीजिए हुजूर, हुजूर, हुजूर। मुझे यकीन नहीं होता, ये नहीं हो सकता, मैं मरना नहीं चाहता, हमारा गुनाह क्या है? और तुम, हमें कल फांसी लगने वाली है, और तुम्हें कोई फिक्र भी नहीं, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? जब सजा सुनाई जा रही थी तुमने एक शब्द भी नहीं कहा। शांत रहिए मानसिंह जी, यकीन मानिए हमें कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा? क्या मतलब कुछ नहीं होगा? क्या तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, हमें कल फांसी लगने वाली है, हम कल मरने वाले हैं। मानसिंह जी, धीरज रखिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं हम इस मुसीबत से जरूर निकलेंगे, और वो भी जिंदा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि बादशाह सलामत ने ऐसा क्यों किया? तुम्हारा दिमाग खराब है, बादशाह ने ऐसा किस लिए किया तुम्हें इस बात की चिंता है, जबकि हमें मुसीबत से निकलने के तरीके सोचने चाहिए। मेरा यकीन कीजिए, हम कल सुबह तक आजाद हो जाएंगे, पर जैसा मैं कहूं आपको वैसा ही करना होगा। सुनिए, पहले मुझे फांसी दीजिए हुजूर। नहीं हुजूर, पहले मुझे फांसी दीजिए। नहीं नहीं हुजूर, पहले मैंने दरख्वास्त दी थी, मुझे पहले लटकाइए। नहीं, मैं शहंशाह का रिश्तेदार हूँ, पहले फांसी मुझे दी जाए। आप जहांपनाह के साले साहब हैं तो क्या हुआ, मैं उनका सबसे भरोसेमंद वजीर हूँ, पहले मुझे फांसी लगाई जाए। आप दोनों पागल तो नहीं हो गए? क्या आपको डर नहीं लगता? आप मरने के लिए इतने बेताब क्यों हैं? डरना किस लिए हुजूर? ऐसे इनाम के लिए तो हम खुशी से मरने को तैयार हैं। इनाम? कैसा इनाम? हुजूर, हमारे दरबार के राज पुरोहित ने ऐलान किया था कि आज यहाँ पर पहले जिसको फांसी दी जाएगी वो अगले जन्म में शाह बनेगा, और जिसको बाद में मिलेगी वो प्रधानमंत्री। ये कैसे हो सकता है? ये सच नहीं हो सकता। ये सच है हुजूर, हमारे राज पुरोहित कभी गलत नहीं साबित हुए, पहले मुझे फांसी पे लटका दीजिए हुजूर। हुजूर, मेरे ख्याल से हमें एक बार फिर सोच लेना चाहिए, इनकी बातें तो सच लगती हैं। हाँ, पर अब हम क्या कर सकते हैं? उन्हें बिना नाराज किए हम उनका कहा कैसे टाल सकते हैं? आप इन दोनों के साथ उन्हें पैगाम भेज सकते हैं कि बिना इन दोनों का जुर्म जाने आप इन्हें फांसी पर नहीं लटका सकते, इस तरह आप इसका जिम्मा वापस शहंशाह पर ही डाल दें। तुम सही फरमा रहे हो, हमें ऐसा ही करना होगा। आप दोनों आजाद हैं, हमें कुछ गलतफहमी हो गई थी, आप दोनों हमारा पैगाम लेकर जहांपनाह के पास लौट जाएं। जैसी आपकी मर्जी हुजूर। आदाब जहांपनाह, आपका स्वागत है, कैसी रही आपकी यात्रा? अच्छी रही हुजूर, शुक्रिया।
अच्छा अच्छा बीरबल, हमने अपनी हार मानी, बताइए आपने उस मुसीबत का सामना कैसे किया? जी हुजूर, हमें बताइए कि हमें उस मुसीबत में क्यों डाला गया, हमारी गलती क्या थी? कोई गलती नहीं थी, हम आपका इम्तिहान दे रहे थे, मगर हम ये जानने के लिए बेचैन हैं कि आप वापस कैसे लौटे। हुजूर, बीरबल की होशियारी की वजह से ही आज हम जिंदा हैं। हम माफी चाहते हैं आप दोनों को इस मुसीबत में डालने के लिए, पर यकीन कीजिए हमने सिपाही के साथ एक दूसरा पैगाम भी भेजा था, वो पैगाम चाहे ईरान को दिया जाता आपको फांसी से बचाने के लिए। बीरबल, आपने फिर साबित कर दिया कि आपको कोई मात नहीं दे सकता, आप किसी भी मुसीबत का होशियारी से सामना कर सकते हैं। शाबाश बीरबल, शाबाश। शाबाश बीरबल,